हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर एंड फटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैरो का एक डिजिटल बैंक स्केल जिसका मॉडल है BLP3B/6002। ये एक हाईली एक्यूरेट डिजिटल वेइंग स्केल है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 600 ग्राम की है और इसके अंदर डिवीजन 0.1 ग्राम्स की है। इसके अंदर एक बड़ा एसएस का प्लेटफॉर्म है, ये लाइट वेट है। इसकी एक्यूरेसी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर विंडशील्ड दी हुई है और इसके अंदर फैब्रिक, पेपर और टेक्सटाइल के जीएसएम को चेक करने के लिए भी मोड दिया हुआ है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसके अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है रिटेल पैकिंग इस कैरो के डिजिटल वेइंग बैलेंस की जिसका मॉडल है BLP3B/6002 और ये बहुत ही सुंदर ग्लॉस फिनिश के अंदर पैकिंग है। इसके फ्रंट में वेइंग स्केल की फोटोग्राफ है और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और ये पैकिंग हमें बताती है कि इसके अंदर जो वेइंग स्केल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 600 ग्राम की है और इसकी डिवीजन 0.01 ग्राम की है। इसका स्टेनलेस स्टील का प्लेटफॉर्म है जिसका 115 mm डाया है। इसके अंदर वेट मेजर करने की बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर वेट ग्राम्स में जीएसएम, एलबी, केजी, एलटी या कैरेट के अंदर मेजर किया जा सकता है। इसको बैटरी से भी चलाया जा सकता है या फिर अडैप्टर से चलाया जा सकता है। इसके अंदर एक बैकलाइट वाली एलसीडी डिस्प्ले है। इसकी कैलिब्रेशन एक्सटर्नली करी जाती है और इस बॉक्स के अंदर विंडशील्ड इंक्लूडेड है। ये TÜV सर्टिफाइड है, CE सर्टिफाइड है और ये एक मेड इन ताइवान प्रोडक्ट है। इस बॉक्स के अंदर एक यूजर मैनुअल मिलती है जो कि कंप्लीटली इंग्लिश के अंदर है। एक पावर अडैप्टर मिलता है जो कि 6 वाट आधे एम्पियर का है। इस वेइंग स्केल को बैलेंस करने के लिए इसकी लेग्स मिलती है, एक विंडशील्ड मिलती है और एक ही मिलता है इसका मेन यूनिट जो कि है कैरो का डिजिटल वेइंग स्केल। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का पैन है और इसका रफ एंड टफ डिजाइन है और इसकी बॉडी की जो प्लास्टिक है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर ये 115 mm का सर्कुलर स्टेनलेस स्टील का पैन है। इसके नीचे इसकी डिस्प्ले दी हुई है जिसपे कैरो की ब्रांडिंग है और ये कुछ बटन्स दी हुई हैं और एक वाटर लेवल बबल है इसकी बैलेंसिंग को चेक करने के लिए। इसकी बैक साइड में एक पावर पॉइंट है जहाँ पे अडैप्टर लगा के इसको पावर दी जाएगी और इसकी बैक साइड में 4 होल्स दी हुए हैं जहाँ पे इसकी लेग्स लगेंगी। एक स्टिकर लगा हुआ है और इसके ऊपर एक बैटरी कंपार्टमेंट है जिसके अंदर 2 AA की बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है। तो अब एक बार इसको ऑन करके चेक करते हैं कि जैसा कंपनी क्लेम कर रही है वैसी एक्यूरेसी ये डिजिटल स्केल देता है या नहीं देता। तो ये जो वेइंग स्केल है इसको इस विंड कवर के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसके बिना भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको इसके साथ यूज करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि विंड का प्रेशर इसके पैन पे नहीं पड़ता। बट अभी डेमो के लिए मैं इसको हटा के आपको इसका एक डेमो दूंगा। तो इस मशीन को ऑन करने के लिए इसको पावर देनी है और पावर देने के लिए इसकी बैक साइड में अडैप्टर लगाया जा सकता है या फिर इसके अंदर सेल लगाए जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ लगाकर इसको ऑन किया जा सकता है। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 बैटरीज लगा रखी हैं AA की जो कि ऑलरेडी इसके साथ इंस्टॉल्ड आई थी और इसको लगाने के बाद ये जो वाटर लेवल है इसको चेक करना है। अगर ये वाटर लेवल सेंटर में है तो ठीक है, नहीं तो इसकी लेग्स को एडजस्ट करके इस लेवल को सेट करना है और उसके बाद यहाँ से इसको ऑन करना है। और फर्स्ट टाइम ऑन होने के बाद यहाँ पे 600 ग्राम थोड़ी ज़्यादा देर तक लिखा रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली 0-0 हो जाएगा। तो इस मशीन को चेक करने के लिए मेरे पास एक 200 ग्राम का वेट है और एक कैलिब्रेशन वेट है जो एग्जैक्टली 200 ग्राम का है। इसको इस मशीन के ऊपर रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो इसको जब इसके ऊपर रखते हैं तो ये एग्जैक्टली 200 ग्राम का दिखाता है और इसको हटाकर दोबारा इसको रखता हूँ, फिर से 200 ग्राम का दिखाया है इसने। अब के इसको उठाता हूँ और इसको लिटा के रखता हूँ, इस बार भी 200 ग्राम का दिखाया है इसने। एक ही मेरे पास मसाले का पैकेट है जो सिर्फ 8 ग्राम का है, इसको चेक करते हैं। तो इसको इस मशीन पर रखने के बाद ये 9 ग्राम का दिखा रहा है। 8 ग्राम अंदर मसाला है और 1 ग्राम की पैकिंग है। एक ये मसाले की पैकिंग है 50 ग्राम की, इसका भी वेट इस पे चेक करते हैं। तो ये दिखा रही है मशीन 65 ग्राम, 50 ग्राम मटेरियल और 15 ग्राम की पैकिंग। इसको उठाता हूं और इसको दोबारा इसके ऊपर रखता हूं, 65.06 ग्राम्स। फिर उठाता हूं, फिर इसको इसके ऊपर रखता हूं, 65.04 ग्राम्स। फिर एक बार उठाता हूं, फिर इसको रखता हूं,
64.04 ग्राम्स, फिर उठाता हूँ फिर इसको रखता हूँ 65.04 ग्राम्स। तो जितनी बारी भी चेक कर रहा हूँ उतनी बारी इसका रिजल्ट सिर्फ एक या दो ग्राम ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। और हर वेइंग स्केल के अंदर एक यही खासियत होती है कि जितनी बार भी उस पर सेम आइटम का वेट किया जाए उतनी बारी ये सेम रिजल्ट दिखाए। तो अब मेरे पास ये दो पेपर हैं, इनका GSM चेक करते हैं। एक DO पेपर है वाइट कलर का और एक ये पिंक कलर का कॉपियर पेपर है। और पेपर का GSM चेक करने के लिए पेपर को स्क्वायर शेप में काटना है 4 इंच बाय 4 इंच की डायमेंशन में। तो ये दोनों ही पेपर्स मैंने कटिंग कर रखी है और अब एक बार इसको इस मशीन के ऊपर रख के इन दोनों ही पेपर्स का एक एक करके GSM चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस पिंक पेपर का चेक करते हैं, तो ये 78 ग्राम्स का आ रहा है और ये इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है क्योंकि इसके ऊपर ये विंडशील्ड नहीं लगी हुई। तो एक बार इसके ऊपर विंडशील्ड लगाते हैं। तो पेपर को मैं फोल्ड कर लेता हूँ, फोल्ड करके इसके अंदर डालूंगा और एक इसकी पहले विंडशील्ड लगा लेता हूँ। और ये विंडशील्ड लगाने के बाद अब ये पेपर मैं इसके अंदर डालता हूँ और चेक करते हैं। अभी दिखा रहे हैं कि 74 ग्राम्स का पेपर है।